आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने आ रही है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने आ रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है देश में, आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है? आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है, तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहां आए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो आपने बात कही है, आप अगले सेशन में देख लेना, मैं आपकी ही आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। बालसु जना प्रश्न केतर है, सत्यवान तिलकोतर है, आदर अदना समाज दली उतनु साधना प्रश्न माड़ोदिल्ला। बहुत सारे लोगों को सच्चाई मालूम होती है, सच्चाई सामने होती है, मगर समाज के सामने वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि डरते हैं। बालसु जना सत्य गोतर है, ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತೋ ಬಸವನಾಜಿ ಮೇ ಯೇ ಫರಕ್ ಥಾ, ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಸವಾಲ್ ಪೂಛೆ, ಸಚ್ಚಾಯಿ ಸಮಝಿ, ಔರ್ ಫಿರ್ ಸಮಾಜ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಸಚ್ಚಾಯಿ ರಖ್ ದಿ. ಬಸವಣ್ಣವರು ತಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಸಮಾಜ ಮುಂದಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ पालने अनुष्ठान प्रयत्न। जब शट्टर जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। जगदीश शेट्टर और हेल्ता
ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಉನ್ಕಿ ಏಜ್ ತೋ ನಹಿ ಹೈ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಖಡಾ ಕಿಯಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಜಬ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಥೆ ಮೈ ಸುನ್ ರಾ ಥಾ ಕಿ ಭೈ ಕ್ಯಾ ಕಾರಣ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಕೋ ಬಿಜೆಪಿ ಸೆ ನಿಕಾಲ್ ದಿಯಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಫಿರ್ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮೇ ಜವಾಬ್ ದೇ ದಿಯಾ. ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಕಹಾ ಮೇರೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕೋಯ್ ಟೇಪ್ ನಹಿ ಹೈ, ಮೇನೆ ಕೋಯ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಹಿ ಕಿಯಾ. ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಕಿ ಇನ್ನೊನ್ನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಹಿ ಕಿಯಾ, ಇಸ್ಲೇ ಇನ್ಕೋ ಟಿಕೆಟ್ ನಹಿ ಮಿಲಾ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೀದಿ ಸಿ ಬಾತ್ ಮತ್ಲಬ್ ಇನ್ನೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊನ್ನೆ 40% ನಹಿ ಖಾಯಾ, 40% ನಹಿ ಖಾಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇ ನಹಿ ಹೋ ಸಕ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ನಹಿ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ, ಮಂತ್ರಿ ನಹಿ ಬನ್ ಸಕ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.